खबरों के बाद आपका स्वागत है और हमारी खास पेशकश में अब बात करते हैं लेक सिटी के लेडी सिंघम की। सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होने वाले राजस्थान की पुलिस भी अब स्मार्ट बनने लगी है। उदयपुर पुलिस की कोशिशों से प्रदेश में पहली बार लीडी पेट्रोलिंग टीम तैयार की गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की गई, जहां पहली बार पीएचक्यू से स्वीकृत होकर लीडी पेट्रोलिंग की यूनिफॉर्म को पुलिस से हटकर रखा गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विदेशी पुलिस का लेक सिटी में कलेवर, उदयपुर में होगी लेडी पुलिस पेट्रोलिंग टीम, में होगी सिर्फ महिला पुलिस। 23 महिला पुलिस की टीम तैयार, बाइक पर घूमेंगी लेडी सिंघम, मनचलों को सबक सिखाने की तैयारी। जी हाँ, विदेशी पुलिस की तर्ज पर बाइक पर सवार होकर सड़कों पर घूमती ये महिलाएं पुलिस टीम का हिस्सा है। प्रदेश में पहली बार उदयपुर पुलिस द्वारा लेडी पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है। इस टीम में शामिल महिला पुलिसकर्मी अपनी फिटनेस, यूनिफॉर्म और अंदाज से विदेशी पुलिस की तरह नजर आ रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाइक सवार महिला टीम का हौसला बढ़ाया, साथ ही साफ किया कि ये टीम अब मनचले युवकों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि ये टीम सफलतापूर्वक काम करेगी तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस टीम का गठन किया जाएगा। उदयपुर पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल और उनकी टीम की ही योजना थी उदयपुर में प्रदेश की पहली लेडी पेट्रोलिंग टीम तैयार हो। करीब 3 से 4 महीने तक ट्रेनिंग कर इन महिला पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से फिट बनाया गया है और अब ये पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बनकर शहर की कानून व्यवस्था को भी बेहतर करेंगी। उदयपुर से संवाददाता मनु राव की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लेडी पेट्रोलिंग बाइकर्स को लेकर क्या कुछ खास तैयारी की गई है और इनके बाइक्स में ऐसा क्या है जो आपकी बाइक्स में ना है। अब तक पुलिस को खाकी वर्दी के तौर पर ही पहचान मिली हुई थी, लेकिन पहली बार पीएचक्यू द्वारा उदयपुर पुलिस की मांग पर लेडी पेट्रोलिंग टीम के लिए डिजाइन की गई यूनिफॉर्म को मान्यता दी गई। लेडी पेट्रोलिंग टीम के लिए बाइक को भी मॉडिफाई करवाया गया है। इस स्पेशल बाइक में सायरन, स्पीकर के साथ फर्स्ट एड किट भी रखा है, जिसे लेडी पेट्रोलिंग टीम के सदस्य किसी को भी प्राथमिक उपचार दे सके। महिला पुलिस कर्मियों को इस टीम का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले जिम में फिटनेस पर मेहनत की, उसके बाद 3 से 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग। वहीं इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों को बाइक चलाने की चुनौती से भी गुजरना पड़ा। प्रदेश की पहली लेडी पेट्रोलिंग टीम में 23 सदस्य है। वहीं पुलिस ने 11 बाइक इस टीम के लिए तैयार की है। पुलिस ने उदयपुर को 5 सेक्टर में डिवाइड किया है, जहां 8-8 घंटे की शिफ्ट में 5 बाइक पर 10 लेडी सिंघम पेट्रोलिंग के लिए मौजूद रहेगी। खैर, महिलाओं के साथ बढ़ते छेड़छाड़ के मामलों को लेकर उदयपुर पुलिस द्वारा उठाया गया ये सराहनीय कदम कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उदयपुर से संवाददाता मनु राव की रिपोर्ट। वही लेडी बाइकर्स की पेट्रोलिंग पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री राजे ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत स्मार्टली आउटफिट कर दिया है, उनको वेपन्स की ट्रेनिंग भी दे दी है, उनको मालूम है कि उन वेपन्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई अंधेरी रात में कहीं उनसे मिल जाओ तो आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। ये तो शुरुआत की है, और जब ये बता रहे हैं एसपी साहब मेरे को कि आउटराइडर्स के रूप में भी ये बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट दिखेंगे, और ये अभी आपका एक पहला प्रयास है। आई एम श्योर कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये राजस्थान के दूसरे पुलिस, एसपी, डीजी और सरकार इसको करने की कोशिश करेगी। भाई उदयपुर एसपी भी इस कोशिश से खासा खुश है, उन्हें उम्मीद है कि लेडी बाइकर्स के जरिए अपराधों पर कारगर असर देखने को मिलेगा। उदयपुर पुलिस द्वारा 6 माह के अथक प्रयासों के बाद 24 महिला कॉन्स्टेबल्स को मार्शल आर्ट, ड्राइविंग, फायरिंग, तैराकी व
इन्वेस्टिगेशन संबंधी ट्रेनिंग दी गई है और उनके एक स्पेशल वेशभूषा जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशन किट, स्मॉल आर्म्स, फर्स्ट एड बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी मोटरसाइकिल में तैयार करके उनको दिया गया है। इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि उदयपुर जो कि झीलों की नगरी है, यहाँ पे महिला पर्यटक बाहर से बहुत आती हैं, तो महिला पर्यटकों, छात्राओं और अन्य महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु तुरंत और निसंकोच अपनी जो शिकायत दर्ज करा सके, इसके पीछे ये भावना रही है। अगर इसकी ओर हम सफल रहे तो इनकी संख्या को आगे और बढ़ाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में हमारी टीम ने, स्पेशली चंद्रशील, सुधीर जोशी, अब्दुल रहमान, इन्होंने बहुत मेहनत की और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये मेहनत जनता के लिए सफल साबित होगी। लेडी पेट्रोलिंग टीम खुद को मिली जिम्मेदारी से खासा खुश है। उन्हें उम्मीद है कि ट्रेनिंग के दम पर वो दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने में कामयाब भी होगी। देखो, गाड़ी में सबसे पहले तो लाइटिंग है और वायरलेस, इसमें ये लाउड स्पीकर हैं ताकि अनाउंसमेंट करना हो तो, और बाकी पीछे ये फर्स्ट एड वगैरह रखने के लिए डिग्गी हैं और हमारे बेसिकली जो पानी की बोतल वगैरह, ये जो और कुछ भी सामान रखने के लिए ये डिग्गियाँ हैं और बाकी मॉडिफाइड हैं, पूरी स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं। बाकी नॉर्मल हमारी जो पुलिस की स्प्लेंडर हैं उसी को मॉडिफाई कर रखा है। 3 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी मतलब, और उसमें सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से वही शाम को आफ्टरनून 6 बजे के समथिंग फ्री होते थे, वो ट्रेनिंग चलती थी और बीच में लंच का टाइम मिलता था फ्री। ट्रेनिंग में स्विमिंग थी और बाइक की प्रैक्टिस थी और वायरलेस हैंडलिंग थी और ये एरोबिक्स, जिम वगैरह ये क्लासेस चलती थी हमारी और नॉर्मली सारी फायरिंग की थी, वेपन ट्रेनिंग और फर्स्ट एड की बेसिकली क्लासेस हुई थी। हमारी ड्यूटी ये गश्त पेट्रोलिंग सिटी में रहेगी, जो महिलाओं के खिलाफ जो छेड़छाड़ होते हैं या फिर और कुछ उनके खिलाफ कोई उनको परेशान करता है या फिर लुच्चे लफंगों लड़कों को पीटना, उनको धमकाना, भगाना, ये ड्यूटियाँ रहेंगी हमारी, 8-8 घंटे ड्यूटियाँ हैं। तो उदयपुर से ये पहल यहाँ पर की गई है। सीएम राजू ने हरी झंडी दिखाकर इन लेडी पेट्रोलिंग बाइकर्स को रवाना किया था। आपको बता दें 4 महीने तक कड़ी मेहनत इन्होंने की, पहले जिम में पसीना बहाया, उसके बाद 3-4 महीने की ट्रेनिंग चली थी जिसमें आपको बता दें स्विमिंग इनसे करवाई गई थी, साथ ही साथ सभी संबंधित प्रशिक्षण दिए गए थे। वहीं आपको बता दें अब बाइकर्स यहाँ पर लेडी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपको बता दें बाइक भी खास तौर पर तैयार की गई है, जहां इसमें लाउड स्पीकर लगाया गया है, सायरन इसमें लगाया गया है, कोई भी घोषणा हो इसके लिए लाउड स्पीकर की सुविधा है। साथ ही साथ फर्स्ट एड भी इस बाइक में ऐड किया गया है, जिससे अगर जरूरत पड़े, इलाज करना हो, प्रथम उपचार यहाँ पर दिया जा सके, इसके लिए पूरी सुविधा है बाइक में रखी गई है। वहीं आपको बता दें सीएम राजे का ये भी कहना था, ये संकेत यहाँ पर सीएम राजे ने दिए कि ये शुरुआत है, एक प्रयास यहाँ पर किया गया है उदयपुर द्वारा, ये पहल यहाँ पर की गई है और अगर सफलतापूर्वक परिणाम यहाँ पर मिलते हैं तो अन्य जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।